डियर फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के उन सेंटेंस को हल करेंगे जो पीछे 2015, 2017 और 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट LDC का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से संबंधित क्वेश्चन आए थे वो देखते हैं। 2015, 2017 और 2022 वाले, ठीक है। 2017-18 में जो राजस्थान हाईकोर्ट LDC की भर्ती हुई थी, उससे पहले के जो पेपर हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भर्ती होती थी, तो उस समय अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पेपर होते थे। 2017 से राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा ये भर्ती की जा रही है। अब ये पेपर पूरे राजस्थान में समान रूप से बनता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो 2015 में आया था। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, 2015 में फर्स्ट क्वेश्चन आया था, सी आस्क मी हाउ लॉन्ग आई हैड वर्कड दियर। ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में बना के दिया और आपको पूछा गया है कि आप इसमें डायरेक्ट सेंटेंस ढूंढिए। इसका जो सही डायरेक्ट सेंटेंस है वो ऑप्शन में से ढूंढना है। हाँ, तो पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में आसक्त आया है और यहाँ पे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, ठीक है। तो हाउ यहाँ पे आने से ये WH वर्ड हुआ और आसक्त से पता लग रहा है कि ये WH वर्ड है, ठीक है। तो अब हम इसको देखते हैं और एक यहाँ पे देखो, ये चेंज है दियर, तो दियर है तो हमने हियर को दियर में चेंज किया है, तो हियर तो सभी चारों के चारों ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। अब ये देखना है हेड कब होता है। हेड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तब हम हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करते हैं, या फिर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तब भी हमें हेड करना होता है। देखो यहाँ पे सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, लेकिन आपको ये देखना है कि यहाँ पे हाउ लॉन्ग आया है और इसमें हाउ लॉन्ग नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। अब देखो, हाउ लॉन्ग हैव यू, हाउ लॉन्ग हैव यू, हाउ लॉन्ग हैज इसमें आ गया, तो यू के साथ तो हैज कभी आता ही नहीं है, ये वैसे ही रॉन्ग है। अब अपने पास दो ऑप्शन बचे हैं, ठीक है। अब देखो, हैव के साथ आईएनजी कभी आती है क्या? नहीं आती है। ये लो, देखो एक बार देखने से ही आपको पता लग गया कि इसमें सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, इसका सेकंड ऑप्शन ही इसका आंसर है। सी सैड हाउ लॉन्ग हैव यू वर्कड हियर। अब यू है, यू को चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट इसमें दे नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा, तो अब इसमें यहाँ पे क्या मान रखा है, इसने मी माना है, मी मान के है ना इस क्वेश्चन को सोल्व किया, तब यहाँ पे आई आ गया, ठीक है। देखो यहाँ पे मी माना, मी मानते ही इसका यहाँ पे क्या हो गया, आई हो गया यू के स्थान पे, और हैज है को इसमें चेंज कर दिया, हेड में चेंज कर दिया, और हियर को चेंज किया देयर में। तो इस प्रकार से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है सेकंड ऑप्शन। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ है। द टीचर सैड हैव यू सबमिटेड योर फॉर्म। अध्यापक ने कहा कि क्या आपने अपने फॉर्म को सबमिट कर दिया है, ये है। और इसको क्या है, अब की बार डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अब देखो यहाँ पे इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला है। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है तो हमें इफ और वेदर में से एक कंजक्शन यूज करना होता है। तो पहले तो हमें देखो, रिपोर्टिंग वर्ब है सैड, सैड को हम सैड ही रखते हैं, यू यहाँ पे सब्जेक्ट है तो चेंज करने के लिए मी मान भी लेते हैं, ठीक है। तो अब इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो ओड है, जो देखने में ही हमें अजीब लगे, ठीक है। देखो एक तो ये आस्किंग है, आस्किंग नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सैड सेकंड फॉर्म है ना वर्ब की, तो फिर आंसर में भी क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही आएगी, ये श्योर है। तो सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। अब यू को चेंज किया, इसने आई में चेंज कर रखा है, तो यहाँ पे मी माना तभी तो आई किया, ठीक है। मी और आई यहाँ तक ठीक है, यहाँ पे वर्ब की देखो सेकंड फॉर्म है और जब सेकंड फॉर्म होती है तो हमें हेड में चेंज करना होता है, ठीक है। तो हैड और सबमिटेड, ठीक है। योर को चेंज किया इसने माई में, ठीक है, माई में चेंज कर दिया, और फॉर्म का फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे मी मान लिया ना इसने, तो मी की सेकंड फॉर्म क्या आ गई है, योर के स्थान पे माई आ गई, तो इसका थर्ड ऑप्शन है ना, यही आंसर है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और इसमें देखो हेड के बाद में आईएनजी वाली फॉर्म दे रखी है,
ये वैसे ही रॉन्ग है, ठीक है। और बच गया फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन में इसने क्या किया है, सेड टू मी इफ आई हैव, देखो इसने हैव का हैव रख दिया, यही गलती कर दी, इसने टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं किया है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर है थर्ड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है सी सेड यू मे नीड माई हेल्प, उसने कहा कि आपको मेरी हेल्प की आवश्यकता है। तो देखो मे का क्या होगा, माइट हो जाएगा, यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ भी पास्ट है, मैं चेंज हो जाएगा तो मे का माइट हो जाएगा। माइट किस किस में है, इसमें है और इसमें है, तो ये दो सेंटेंस तो क्या हो गए हैं, रॉन्ग हो गए। थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन बचा है इसमें कि कौन सा आंसर हो सकता है। और देखो यू से लेके हेल्प तक ये जो सेंटेंस है ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, और आपको पता है कि एफर्मेटिव सेंटेंस में हमें दैट कंजक्शन लगाना होता है, तो दैट तो सभी में है, ठीक है। अब देखिएगा सी टोल्ड दैट आई माइट नीड हेल्प, इसमें जो है माइट तो सही दे रखा है इसने, नीड भी ठीक है क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हेल्प आ गया, लेकिन क्वेश्चन में माई हेल्प दे रखा है, लेकिन इसमें माई और माई के स्थान पे क्या होना चाहिए वो नहीं दे रखा, इसलिए थर्ड ऑप्शन इज रॉन्ग, ठीक है। तो बच गया कौन सा, फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे माई है, माई को चेंज करेंगे, माई क्या है फर्स्ट पर्सन है, और माई को चेंज करेंगे सी के अकॉर्डिंग, और सी की सेकंड फॉर्म, माई सेकंड फॉर्म है ना, तो सी की सेकंड फॉर्म लेके आओ, सी की सेकंड फॉर्म होती है हर, तो यहाँ पे हर आ गया, हर हेल्प, ठीक है। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन आंसर है। बढ़ते हैं आगे, 2017 के जो क्वेश्चन आए थे ना उनको देखते हैं अभी, अभी 2015 के हमने देख लिए हैं, तीन ही क्वेश्चन आए थे, 2017 में ज़्यादा आए थे डाइट एंड डाइट के। हाँ तो डियर फ्रेंड्स 2017 में डाइट एंड डाइट से संबंधित 8 क्वेश्चन आए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। तो इसका पहला क्वेश्चन है वार्नर सेड, वार्नर ने कहा आई विल बी वेटिंग हियर, मैं यहाँ इंतज़ार कर रहा हूँगा, ये है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस दिया है इसमें, तो फ्यूचर है तो यहाँ पे देखो पास्ट है तो यहाँ पे क्या विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, और टाइम एंड प्लेस संबंधी परिवर्तन है तो हियर का क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा, तो ये जो चेंजेस हैं वो इसमें हमें देखने हैं, ठीक है। और साधारण वाक्य है, साधारण वाक्य है तो हमें दैट कंजक्शन यूज करना है। देखो फोर्थ फोर्थ जो सेंटेंस इसमें कोई कंजक्शन नहीं आया, इसलिए फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन में देखो यहाँ पे टू कंजक्शन लगाया है, टू तो इम्परेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, लेकिन ये इम्परेटिव सेंटेंस नहीं है, ये तो एफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम ऑप्शन को काट के भी है ना हम आंसर तक पहुँच जाते हैं। अब देखिएगा दोनों में दैट कंजक्शन है, सेड का सेड आ गया है, विल का वुड कर दिया, दोनों में आई का क्या है वार्नर ही है, इसलिए आई को हमने वार्नर के अनुसार चेंज किया तो ही आ गया, वुड आ गया, बी आ गया, ठीक है। वेटिंग हियर, देखो यहाँ पे हियर का हियर कर दिया, यही गलती है, इसलिए रॉन्ग, यहाँ पे हियर का क्या कर दिया इसने, डियर कर दिया। तो इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, तो ये सेकंड इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस है ये, दो नंबर है, डू यू नो फ्रेंच, क्या आप फ्रेंच जानते हो, सी सेड उसने कहा, उसने कहा कि क्या आप फ्रेंच जानते हो। देखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखो इसमें इन्वर्टेड कोमा वाला जो सेंटेंस इसको पहले दे दिया और रिपोर्टिंग वर्ब है इसको बाद में दे दिया, बात एक ही है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, सी, सी सेड का सेड, सी सेड का सेड कर दिया, और यदि इसे सेड को चेंज भी करना चाहे तो क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसलिए आसक्ट में चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आसक्ट में कब चेंज होता, जब हम इसके बाद में ऑब्जेक्ट मानते, ठीक है, मानना पड़ेगा ऑब्जेक्ट यू के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे मी मान लेते हैं, ठीक है, मी ऑब्जेक्ट मान लिया हमने। अब ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला क्वेश्चन है, इसलिए हमें इफ या वेदर में से एक लगाना होता है, यू को चेंज कर देंगे मी के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, ठीक है। यहाँ भी प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो हमें क्या करना है, सेकंड फॉर्म करनी है, ठीक है, इनको हटा के, ये लो नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, न्यू, फ्रेंच,
ये लैंग्वेज होगी फ्रेंच, और इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्थान पे फुल स्टॉप कर देंगे, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू फ्रेंच, ठीक है यही सही रहेगा क्योंकि इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं, यू को चेंज कर रहे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। अब हम आगे ऑप्शन नहीं रखेंगे, सीधा ही आंसर करेंगे जो क्वेश्चन आए थे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा वरना। और डियर फ्रेंड्स, 2017 में थर्ड क्वेश्चन आया था, अभिनव सेड टू मी, अभिनव ने मुझे कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का गिलास है लाओ। तो इसने क्या है, इसे ऑर्डर दिया है, ठीक है, तो ऑर्डर दिया है, तो इसमें आंसर हो जाएगा अभिनव। पहले तो हमें ये देखना है कि सेंटेंस कौन सा है, ब्रिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म शुरू है तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो गया। अभिनव मुझे क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, अभिनव ने मुझे कहा कि मेरे लिए पानी का गिलास है लाओ, तो ऑर्डर है, ऑर्डर है, तो अभिनव सेड के स्थान पे क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। भी जो सब्जेक्ट है उसका भला हो तो वो होता है ऑर्डर, और यदि ऑब्जेक्ट का भला हो तो वो क्या होती है, एडवाइज। ये आपको ध्यान में रखना है। इसको हटा दिया, मी आ गया, और इंपेरेटिव सेंटेंस में टू कंजक्शन काम में लेते हैं, ब्रिंग का ब्रिंग आ गया, मी को हम चेंज करेंगे अभिनव के अनुसार, अभिनव क्या है, ही, तो ही की थर्ड फॉर्म कर दो मी के स्थान पे, हिम ए ग्लास ऑफ वाटर, सेम आ जाएगा, ये लो, ये इसका आंसर है, अभिनव ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग हिम ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस है, द टीचर सेड टू अस, अध्यापक ने हमें कहा द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। यूनिवर्सल ट्रूथ का सेंटेंस आया अभी, ठीक है, और आपको बताया था मैंने अच्छे से कि यूनिवर्सल ट्रूथ का जो सेंटेंस आ जाए तो हमें टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करना है, चाहे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ही क्यों ना हो। देखो सेड यहाँ पे पास्ट में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फिर भी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखे ना, फिर भी यहाँ पे हमें टेंस संबंधी कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसा है वैसे का वैसे करना है, बहुत ही आसान वाक्य आया था, ठीक है, तो साधारण वाक्य है इसलिए सेड के स्थान पर क्या करेंगे, टोल्ड कर देंगे। तो है इसका आंसर द टीचर सेड के स्थान पे हो गया टोल्ड, टू हट गया एस, और दैट कंजक्शन लगा देंगे, दैट, दैट के बाद में आगे का जो सेंटेंस है ना सेम आ जाएगा, कोई चेंज नहीं होगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये इसका आंसर था। अगला क्वेश्चन है, द क्लर्क एट द बुकिंग विंडो इंक्वायर्ड इफ आई वांटेड अ सिंगल और अ रिटर्न टिकट। देखो इसमें कहीं भी इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा है, तो इसने पहले से ही इस क्वेश्चन को इनडायरेक्ट में बना के दिया है, और आगे क्वेश्चन में दे रखा है, इसमें तो नहीं लिखा मैंने, वैसे क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ था कि इसको डायरेक्ट में चेंज कीजिए, इनडायरेक्ट में देखे डायरेक्ट में चेंज करवाया है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इंक्वायर्ड आ गया है, जब इंक्वायर्ड आता है और इफ कंजक्शन होता है तो इन्वर्टेड कोमा वाला जो सेंटेंस है ना वो इंटरोगेटिव होगा, और इफ से शुरू हुआ है तो इससे यह भी पता होना चाहिए आपको कि इफ और वेदर कंजक्शन वहीं आते हैं जहां हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला सेंटेंस हो, है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है तभी हम इफ कंजक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर, द क्लर्क सेम आ जाएगा विंडो तक, एट द बुकिंग विंडो इनक्वायर्ड के स्थान पे क्या आ जाएगा, सेड, क्योंकि सेड को इनक्वायर्ड में चेंज किया है, और इसके आगे क्या है, ऑब्जेक्ट है नहीं इसमें, यहाँ पे जो आई आया है ना ये ऑब्जेक्ट के अनुसार ही आया है, क्योंकि क्लर्क है वो तो आई है नहीं, टू मी, ठीक है, इस प्रकार से था, इसके आगे कोमा इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, आई किस लिए, आई कहाँ पे आया होगा, यू हुआ है तभी तो आया है,
ठीक है, तो आई के स्थान पे हम क्या करेंगे, यू करेंगे। इफ कंजक्शन लगा है तो हमें यहाँ पे क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। देखो यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कब होती है, जब टेंस प्रेजेंट का हो। जब टेंस प्रेजेंट का हो ना, तभी तो सेकंड फॉर्म करेंगे। और प्रेजेंट सिंपल टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू और डज। तो यहाँ पे हम डू करेंगे और यू हो गया डू के अनुसार। ये लो, डू यू वांट, ये फर्स्ट फॉर्म हो गई है। वांट सेम आ जाएगा, ए सिंगल से लेके टिकट तक, ए सिंगल और ए रिटर्न टिकट। ये लो, ये आंसर है इसका। द क्लर्क एट द बुकिंग विंडो सेड टू मी, डू यू वांट ए सिंगल और ए रिटर्न टिकट। अंत में यहां लिख देता हूं टिकट और अंत में क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमा बंद। ये था, ये इनडायरेक्ट आया था और इसका इनडायरेक्ट का हमें डायरेक्ट में चेंज करना था, तो इस प्रकार से ये इसका डायरेक्ट बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। हाँ, तो डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस आया था एग्जाम में, आई एडवाइज देम नॉट टू जंप टू कंक्लूजन्स अंटिल द न्यूज वाज कन्फर्म्ड। तो ये भी क्या है, इनडायरेक्ट में बना के दिया है और हमें इसको डायरेक्ट में चेंज करना है। देखो यहाँ पे एडवाइज आया है, एडवाइज वाले वाक्य हैं, ऑर्डर वाले वाक्य हैं, प्रार्थना वाले वाक्य हैं, ऑर्डर प्लीज रिक्वेस्ट, ये जो सेंटेंस हैं ये आते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, ये इंपरेटिव सेंटेंस का सेंटेंस है। देखो यहाँ पे टू कंजक्शन आ गया, नोट भी है, तो ये डू नोट से शुरू हुआ है वाक्य पक्का ही। ठीक है, तो बनाते हैं इसको, इसका आंसर तैयार करते हैं। आई एडवाइज का तो आपको पता ही है प्राय क्या आता है, सैड। ठीक है, सैड टू देम, ये बना दिया हमने। ठीक है, कोमा शुरू कर दिया, इन्वर्टेड कोमा। अब ये नोट आया ना, तो पक्का ही क्या मिलेगा आपको, डू नॉट, डू नॉट से शुरू हुआ है, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन अंटिल द न्यूज इज कन्फर्म्ड। यानी कि हमने इज आया है तो उसका वाज किया होगा। ठीक है, हाँ, तो सेम कर दो आगे, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन अंटिल द न्यूज इज कन्फर्म्ड। ये लो, ये इसका आंसर था। आई सेड टू देम डू नॉट जंप टू कंक्लूजन्स अंटिल द न्यूज इज कन्फर्म्ड। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। माई फ्रेंड सेड टू मी हैव यू कंप्लीटेड योर प्रोजेक्ट। मेरे मित्र ने मुझे कहा कि क्या आपने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर लिया है। ये सेंटेंस है, बहुत ही आसान है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है सेंटेंस, इंटरोगेटिव है, तो आपको पता है इसमें इफ कंजक्शन आना है। ठीक है, और सेड के स्थान पे क्या करना है, आस्क्ड कर दो या इंक्वायर्ड कर दो, एक ही बात है। आपको तो ऑप्शन ही देखना है कि इंक्वायर्ड आए आस्क्ड आए। माई फ्रेंड सेड को चेंज किया आस्क्ड में, टू हटा दिया, मी ऑब्जेक्ट आ गया। इस प्रकार के सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले जो सेंटेंस है, इनमें हमें इफ कंजक्शन लगाना होता है या वेदर लगाना होता है। यू को चेंज करेंगे हम मी के अकॉर्डिंग, तो मैंने आपको बताया था कि कंप्लीटेड जो है ये क्या है, वर्ब है। वर्ब से पहले यू आए तो पहली फॉर्म होती है, और वर्ब के बाद में यू आए तो वो थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहली फॉर्म है, तो मी की पहली फॉर्म लेके आओ, मी तो खुद ही क्या है, थर्ड फॉर्म है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, आई। ठीक है, आई हो गया। अब आपको टेंस संबंधी परिवर्तन करना है। ठीक है, हैज हैव हो तो आपको करना होता है हैड, ये हैड कर दिया हमने, हैव के स्थान पे क्या कर दिया, हैड। कंप्लीटेड का कंप्लीटेड आ गया। ये लो, योर है, इसको चेंज करेंगे योर, ये भी सेकंड पर्सन है, मी के अनुसार ही चेंज करेंगे। योर यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो मी की सेकंड फॉर्म क्या होगी, माई, माई प्रोजेक्ट। इस प्रकार का सेंटेंस हम पहले भी देख चुके हैं, जो 2015 में आया था। ठीक है, उसमें भी आया था माई वाला, चेंज करने वाला। तो ये था इसका आंसर। माई फ्रेंड आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट।
इसको हमने इंडाइट में चेंज कर लिया। और 2017 में जो लास्ट क्वेश्चन आया था वो ये था, शी सेड टू हर सन, उसने अपने पुत्र से कहा, व्हाट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। बहुत ही आसान वाक्य है, डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसमें हमें कंजक्शन भी नहीं लगाना होता है, बस सेड के स्थान पे असेक्ट कर दो और इंटरोगेटिव सेंटेंस को एफर्मेटिव में कन्वर्ट कर दो, यही करना है। देखिएगा आंसर, सी सेड को चेंज किया आसक्ट में या इंक्वायर्ड में करते हैं, टू हटा दिया, हर सन, ठीक है। कंजक्शन हमें अदर लगाने की आवश्यकता नहीं है, व्हाट सेल्फ एक कंजक्शन है। यू को चेंज करते हैं सन के अनुसार, सन क्या है, ही, यहां पे डॉटर होता तो सी होता, यू यहां पे पहली फॉर्म है, मैंने बताया था ना डू मींस करना, ये वर्ब है, वर्ब से पहले यू आए तो फर्स्ट फॉर्म, और यू को चेंज करेंगे हम सन के अनुसार तो ही भी पहली फॉर्म है, यू भी पहली फॉर्म है, तो यहां पे यू के स्थान पे क्या कर देंगे हम, ही कर देंगे, ये लो, ठीक है। इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। अब आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस का हमें क्या बनाना है, एफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो एफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे ना तो सब्जेक्ट पहले और हेल्पिंग वर्ब बाद में। अब इज एम आर जो दे रखा है उसको हम चेंज कर देंगे वॉज वर्ब में, तो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वॉज, डूइंग का डूइंग और हियर का देयर, ये टाइम एंड प्लेस संबंधी परिवर्तन था। क्वेश्चन मार्क के स्थान पे फुल स्टॉप। सी आस्क्ड हर्सन व्हाट ही वॉज डूइंग देयर, ये इसका इंडायरेक्ट बना। तो इस प्रकार से हमने 2017 में जो क्वेश्चन आए थे वो सॉल्व किए। बढ़ते हैं आगे, जो पिछला एग्जाम हुआ था 2022 में उसमें क्या क्वेश्चन आया था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया था वो देखते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, और वो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से दिया, हाउ लकी आई एम टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू, ये कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। मैंने बताया था आपको, अच्छे से समझाया है इसको, एक्सक्लेमेटरी को, कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, व्हाट और हाउ, सो और सच से शुरू होने वाले, और हुरा है, अलास है, इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड से शुरू होने वाले। तो हाउ लकी है ये हम हटा देते हैं, या क्या कर देंगे, हटा देंगे, इसके स्थान पे वेरी या ये ग्रेट यूज करना चाहिए, हालांकि इसमें वेरी या ग्रेट तो यूज नहीं किया है, ठीक है। दैट कंजक्शन यूज करते हैं, तो देखो दैट कंजक्शन किस किस में है, इसमें दैट कंजक्शन है, लेकिन इसके साथ हाउ आ गया, मैंने बोला था ना कि हाउ व्हाट या हाउ आ जाए तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हटाते हैं, तो ये रॉन्ग हो गया, फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गया, क्योंकि इसमें डबल कंजक्शन लगा रखा है, ठीक है। ये जो है, सी सैड इन ग्रेट वंडर दैट आई वाज ए लकी फ्रेंड, आई वाज ए लकी फ्रेंड, ए फ्रेंड लाइक यू, ऐसा सेंटेंस आना चाहिए। इसने तो लकी फ्रेंड, ये लकी कहाँ से ले आया, ठीक है, वहाँ से उठा के ले आया, तो मैंने बोला था कि हाउ लकी ये तो हटाना ही है, तो ये भी रॉन्ग है। अब देखो, और एक चीज़ मैंने ये भी बताई थी आपको कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में सैड के स्थान पे हमें एक्सक्लेम्ड करना होता है, जो कि एक्सक्लेम्ड तो सिर्फ एक में ही है, हैं, इसमें सैड का सैड है और फिर यह अधूरा वाक्य है, टू बी माई फ्रेंड, ठीक है, टू बी माई फ्रेंड, आगे वाला दे ही नहीं रखा, ठीक है, जो समानता दिखाई गई है वो, तो इसमें सी एक्सक्लेम्ड दैट सी वॉज, ठीक है। देखो यहाँ पे सी है सब्जेक्ट, तो फिर इस आई को हमने चेंज किया तो सब्जेक्ट के अनुसार ही चेंज किया, तो यहाँ पे इसलिए सी आ गया, सी इज एम आर का वोजवर हो गया, सी वाज लकी टू हैव अ फ्रेंड लाइक यू को चेंज कर दिया मी में, ये पूरा सेंटेंस क्लियर है, इसमें पूरी बातें दे रखी है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने 2017-15-2022 राजस्थान हाईकोर्ट LDC एग्जाम में जो क्वेश्चन आए थे उनको अच्छे से हमने सोल्व किया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।